गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुमार भाटी है और आज हम बेसिक सीरीज का एक टॉपिक है बोर्ड मास, जिसको हम आज सीखेंगे। तो आइए कुछ पहले रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड मास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको सारे रूल्स समझ में आ जाए। और बोर्ड मास किसी भी सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है और ये आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना होता है, तो ही आपके मैथमेटिक्स में सारे आंसर बन पाते हैं। तो देखते हैं पहले रूल्स क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं। पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको अगर कोई ब्रैकेट होता है तो आप पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, फिर एडिशन को सॉल्व करोगे और फिर सब्स्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। ये आपको कुछ इस तरीके से चलना है इसके अंदर। पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और फिर लास्ट में माइनस सॉल्व करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको मैंने कल ही असाइनमेंट में दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों दिया हुआ है और रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले आता है एडिशन से, तो हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो आप इस 6 को और प्लस को एज इट इज नीचे ड्रॉप डाउन करोगे और 4 2 8। अभी इस पूरे क्वेश्चन में एडिशन के अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 + 8 = 14 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे चलेंगे। 4 + 4 / 2। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिवाइड और एडिशन दोनों दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, रूल के हिसाब से पहले एडिशन पहले आता है और प्लस बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड को सॉल्व करने का एक तरीका है, पीछे का जो नंबर होगा उसका आपको टेबल बोलना है और आगे वाला नंबर कब आता है वो आपको देख लेना है। तो अगर मैं 2 का टेबल काउंट करूं तो 2 2 4 होता है, इसीलिए मैं इस 4 को और प्लस को नीचे ड्रॉप डाउन करूंगा और 2 2 4 होता है। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 ये हमारा आंसर हो जाता है, इसीलिए हम इस आंसर को यहां पे लिखेंगे। तो 4 + 2 = 6 हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड नंबर, यहां पे 8 + 6 - 3 दिया हुआ है। यहां पे एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन दोनों है, एडिशन पहले आता है सब्स्ट्रैक्शन से, एडिशन पहले आता है सब्स्ट्रैक्शन से, इसीलिए हम एडिशन पहले करेंगे और सब्स्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। 8 + 4 + 6 = 14 - 3 = 11।
नेक्स्ट फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर, यहां पे एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों है तो हम एक काम करेंगे रूल के हिसाब से। यहां पे देखो आप मल्टीप्लाई पहले आ रहा है एडिशन बाद में आ रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फाइव प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी, दोनों को ऐड करो 25। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आपको लॉन्ग क्वेश्चन में फायदा मिलेगा, आपके स्टेप्स इजीली बन पाएंगे। हम ई वाला क्वेश्चन करेंगे 12 प्लस 3 इंटू टू, फिर वही यहां मल्टीप्लाई पहले आ रहा है एडिशन बाद में आ रहा है इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। थ्री टू जा सिक्स, ट्वेल्व प्लस सिक्स इज इक्वल टू 18। मैं थोड़ा स्पीड अप में जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 1, यहां पे डिवाइड पहले आ रहा है एडिशन बाद में आ रहा है तो डिवाइड पहले ही आता है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। वही रूल लगाना है आपको, डिवाइड के पीछे का नंबर बोलना है और आगे वाला नंबर कब आता है वो आपको चेक करना है। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 1 थ्री जा थ्री, तो 12 प्लस 1 थ्री जा थ्री, मतलब ये आंसर हुआ, ये 3 आ जाएगा इधर, 12 प्लस 3 15। जी वाला क्वेश्चन करेंगे 2 इंटू टू प्लस 5, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है 2 टू जा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 H। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ब्रैकेट से डरना नहीं है, हम जिस तरीके से हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ऐसे आपको स्टेप फॉलो करना है। वैसे मैं आपको दिखा दूं, ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे ब्रैकेट आ रहा है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 23 जा 60, 100 में से 60 जाएगा तो 40, ये आपका आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। मैं इस तरह की वीडियो पहली बार बना रहा हूं तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो आप उसको अपने तरीके से करेक्ट करके चलिए। आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ और अच्छा करें ताकि आपको इजीली समझ में आए। फिर वही रूल लिख देता हूं मैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, माइनस, हमें ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ओके, लास्ट हमने एच वाला क्वेश्चन किया था, मैं यहां पे आई वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो में वीडियो क्वालिटी कुछ ठीक से ना आ रही हो तो आप यूट्यूब के सेटिंग के ऊपर गियर बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करें और 120 पिक्सल सेट कर दें ताकि पिक्चर की जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, वो आपको ठीक से दिखाई दे। 35 माइनस 15 प्लस 27 माइनस 7, देखो पहले ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम एडिशन को अभी कुछ नहीं करेंगे। 35 माइनस 15 20 प्लस 27 माइनस 7 20, अब एडिशन होगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। जे वाला क्वेश्चन 50 प्लस 6 इंटू 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 50 प्लस 6 इंटू 6 36, अब सिंपल एडिशन करेंगे, एडिशन में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, 6 प्लस 5 11, कैरी गया 1, 3 प्लस 1 प्लस 4,
फोर प्लस वन फाइव, ये आपका हुआ आंसर 51। के वाला क्वेश्चन करेंगे, 4 × 5 मल्टीप्लाई 3 + 6। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 × 5 = 20, यहां पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 = 9। 29 जा, मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया हुआ था, अगर कोई राउंड फिगर के मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आपको सीधा नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 9 = 18, और ये वाला जीरो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना हुआ 180। एल 50 × 20 / 5, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको हम, फिर वही रूल लगाएंगे, डिवाइड के पीछे का नंबर का टेबल बोलेंगे, 5 के टेबल में 20 कब आते हैं, 5 × 4 = 20, 50 का 50 नीचे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई नीचे, 5 × 4 = 20, 50 × 4, फिर वही हम रूल लगाएंगे, 50 राउंड फिगर का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, और ये जीरो आ गया, 200 आंसर हुआ। इस तरीके से हम इस बोर्ड मास का जो सॉल्यूशन है कर सकते हैं। मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के ले रहा हूं, ताकि आपको जब सॉल्यूशन करो तो आपको समझ में आ जाए, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो इसका पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप से शेयर करूंगा, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको अगर नहीं आता है तो आप उस सॉल्यूशन में देख सकते हो। मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सम ले रहा हूं, ये एन वाला सम है, 8 + 5 × 1 + 3 - 6। यहां पे हमारे पास दो बार एडिशन है, एक बार सब्सट्रैक्शन और एक बार मल्टीप्लाई है, तो हमें मालूम है कि पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इनसे भी पहले ब्रैकेट ओपन होते हैं, मगर यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का रूल फॉलो करेंगे। पहले मल्टीप्लाई आता है क्योंकि डिवाइड तो है ही नहीं, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, बाकी के नंबर और साइन है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। 5 × 5, ये प्लस इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, माइनस इधर, 6 इधर। अब दो बार प्लस है, एक बार माइनस है, वैसे भी प्लस माइनस से पहले आता है, हम तीनों का प्लस कर देंगे, 8 + 3 = 5 + 3 = 8 + 8 = 16 - 6 = 10। मैं थोड़े डिफिकल्ट सम्स ले रहा हूं, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 का एम वाला क्वेश्चन, 56 / 8 + 8 × 2। फिर वही लगाएंगे हम, पहले डिवाइड सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज सब नीचे आ जाएगा, 8 के टेबल में 56 का पाते हैं, आपको मालूम है 8 × 7 = 56। अब मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है, यहां पे मल्टीप्लाई एडिशन से पहले आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 7 + 8 = 16। अब एडिशन होगा, 16 + 7 करो, कितना होगा, ये करीबन जाएगा 23 के अराउंड। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 में वाई वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक ही नंबर है मगर उसके बीच में बहुत सारे ऑपरेशन हैं, 6 / 6 + 6 × 6 -
सिक्स, वही रूल लगाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, कोई ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज। सिक्स का टेबल बोलो और सिक्स का पता है, सिक्स वन जा सिक्स, तो ये वन नीचे आ गया, ये एडिशन नीचे आ गया, ये सिक्स नीचे आ गया, मल्टीप्लाई नीचे आ गया, ये माइनस नीचे आ गया और ये सिक्स नीचे आ गया। अब पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, इसीलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये वन नीचे आ जाएगा, वन प्लस नीचे आ जाएगा, सिक्स सिक्स जा 36 माइनस सिक्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन से, तो हम क्या करेंगे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 37 माइनस सिक्स। अब आप इनका माइनस करो आपको मिलेगा 31, ये आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं कि आपको मैंने जो समझाया है वो ठीक से समझ में आया है। हम ये इस तरह के वीडियो पहली बार बना रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां हो, कुछ कैमरा सेटअप ठीक से ना हो पाया हो और आपको क्लियरली ना दिखाई दे, तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए ध्यान रखेंगे और आपको हो सके तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोरोना डिसीज चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोइए, किसी के कॉन्टेक्ट में ना आइए, सोशल डिस्टेंस रखें और हो सके तो अपने घर में ही क्वारंटाइन रहिए, खुद को भी सेफ करिए और अपने पड़ोसी अपने फैमिली मेम्बर को भी सेफ कीजिए। आज के दिन के लिए इतना ही, स्टे ट्यून विथ अस, हम कुछ और वीडियो के साथ नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। क्लास 10 की बैच स्टार्ट करने वाले हैं, मगर जब तक ये लॉकडाउन कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता हम वेट करेंगे, और अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो हम क्लास 10 की वीडियो भी ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।